Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या किडनी पेशेंट के लिए ओकरा अच्छा होता है या नहीं। पहले आपको बता दें कि ओकरा भिंडी को कहते हैं। एक हेल्दी इंसान के लिए भिंडी फ़ायदेमंद है, लेकिन यही भिंडी एक किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। ऐसा क्यों होता है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि भिंडी किस तरह से किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। फर्स्ट है, भिंडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो किडनी की प्रॉब्लम का एक रीज़न होते हैं। भिंडी के सेवन से आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भिंडी में प्रेजेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का एक मेन रीज़न होते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि ऑक्सलेट वाले फूड के सेवन से स्टोन प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है, इसलिए आप कोशिश करें कि ऑक्सलेट से जुड़े फूड का सेवन या इस्तेमाल कम से कम करें। सेकेंड है, सोलेनाइन और इन्फ्लेमेशन। भिंडी के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड सोलेनाइन एक तरह का टॉक्सिक केमिकल होता है। ये केमिकल बॉडी में जॉइंट पेन, गठिया और लंबे टाइम से रहने वाली स्वेलिंग का एक रीज़न भी बन जाता है। ये सोलेनाइन का केमिकल कई वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि पटैटोस, टोमेटोस, एग प्लांट, ब्लूबेरीज और आर्टिचोक्स। तो आप इन सब का सेवन ज़रा ध्यान से करें और सोलेनाइन से होने वाली बीमारियों से बचें। थर्ड है, विटामिन के एंड ब्लड क्लॉटिंग। भिंडी में विटामिन के बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो उन लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है जिनका खून पतला करने की मेडिसिन चल रही होती है। विटामिन के का इस्तेमाल ब्लड को पतला करने वाली दवाइयों में किया जाता है, जैसे कि वॉरफेरिन और कोमेडिन। ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स को रोकने के लिए किया जाता है। ये हार्ट और ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इनका सेवन ज़रा ध्यान से करना चाहिए। लास्ट है, अगर आप भिंडी का इस्तेमाल भून कर कर रहे हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करता है, जिससे आपको हार्ट के साथ साथ किडनी की भी बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि ओकरा यानी भिंडी क्यों किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।